की सरोवर नगरी नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। पुराणों में नैनीताल को त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। वैसे तो नैनीताल के आसपास कई खूबसूरत झील स्थित है, लेकिन नैनी झील से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक झील ऐसी भी है जो बेहद खास है। यह झील साल के 6 महीने पूरी तरीके से सूख जाती है। वहीं बरसात के मौसम में ये झील पानी से लबालब भर जाती है, जिस वजह से ही इस झील का नाम सूखाताल रखा गया है। वहीं वेटलैंड होने के कारण यह झील नैनी झील को भी रिचार्ज करती है। देवदार के घने जंगल के बीच नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक की तलहटी में स्थित यह झील बेहद सुंदर है। नैनीताल निवासी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि साल 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। उस दौर में इस झील में ज्यादातर महीने पानी भरा रहता था। ऐसा है, झील का नाम सूखाताल तो बाद में पड़ा, जब शुरुआती दौर में तो इस झील में पानी भरा रहता था और साल के ज्यादातर महीनों में इसमें पानी भरा रहता था। और बल्कि अगर हम उससे भी और पीछे चले जाएं तो 1840-41 में जब पीटर बैरन, जिन्हें नैनीताल की खोज की थी कहा जाता है जिनके बारे में, वो जब यहाँ आए थे तो उस समय तो ये जाड़ों के समय में जम जाती थी। इसमें इतना पानी भरा होता था जाड़ों तक भी कि पूरी झील बर्फ से जम जाती थी और इसके ऊपर आइस स्केटिंग भी की जा सकती थी। धीरे धीरे बाद में जब मौसम में थोड़ी गर्मी आने लगी, यहाँ बहुत से निर्माण हुए, कार हुए, पेड़ भी कटे, तो थोड़ी जब गर्माहट आई तब भी इसमें पानी भरा रहता था और इसमें बाकायदा बोटिंग की जाती थी। 1950 के दशक तक भी, 1960 के दशक तक भी इसमें अक्सर लोग बोटिंग करते रहते थे और उसकी पुरानी फोटोएं भी देखने को मिलती है। पिछले कुछ दशकों में स्थिति ये आई कि ये साल भर सूखी रहने लगी। हालांकि बरसात के दिनों में इसमें पानी अक्सर भर जाया करता है और एक बार तो 1992 में तो इसमें इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि पंप लगा करके पानी बाहर निकालना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो आसपास के घरों के अंदर तक जाने लग गया था। उसके बाद से धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी बनी कि बरसात में थोड़ा बहुत पानी इस पर भरता है लेकिन साल के अधिकांश समय में ये सूखी रहती है। ऐसा यहाँ पर निर्माण करने की जरूरत दरअसल इस वजह से पड़ी कि ये पूरी पूरा का पूरा क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में आ गया था और इसमें तमाम लोगों ने अपने की झोपड़ियाँ या दूसरे तरीकों से इसमें अतिक्रमण, झील क्षेत्र जो है उसमें अतिक्रमण कर लिया था और उसकी वजह से इसमें पानी भरना या बाकी चीज़ें भी बंद हो गई थी। और उसके साथ ही उन लोगों की जान को भी खतरा रहता था, क्योंकि अगर पानी आता था तो उनके घरों के अंदर भी जा सकता था। इस वजह से यहाँ निर्माण कार्य करने की बात सोची गई। अब निर्माण कार्य करने के दोनों पहलू हैं, उससे इसको फायदा भी मिल सकता है क्योंकि कम से कम अतिक्रमण नहीं होगा, सारा पानी जो है वो चैनलाइज हो जाएगा, पानी चैनलाइज होकर के बहेगा। और अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए कि इसका फर्श जो है पानी को एब्जॉर्ब करने वाला हो, सारा विरोध इस बात को लेकर के है कि इसका फर्श इस तरह का बनाया दिया जाने की संभावना थी कि जो पानी को एब्जॉर्ब ना कर पाए, क्योंकि ये नैनी झील के लिए एक रिचार्ज के जोन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है अपने आप। तो अगर इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से अगर इसका निर्माण किया जाए जिससे कि पानी का रिसाव जमीन के अंदर होता रहे और बाकी पानी स्टोर रहे उसमें, तो इसके फायदे भी हैं।